दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के नंबर वन स्पाई टूल के बारे में बताने जा रहा हूं नंबर वन स्पाई टूल से मेरा मतलब है कि अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड रन करते हैं आपका एक ऑनलाइन स्टोर है आपका एक ऑनलाइन ब्रांड है या आप गेमिंग नॉन गेमिंग एप्स में डील करते हैं तो ये टूल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है और दुनिया के बिग ब्रांड्स इसको यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड दोस्तों ये टूल आपको आपके कंप्यूटर से ऊपर लेकर जाएगा बिकॉज ये आपके कंप्यूटर की पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने निकाल के रख देता है ये आपको ताकत देता है कि जिस भी कैटेगरी जिस भी नीच के अंदर आपको उससे रिलेटेड आपको सारा कंटेंट जो ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है वो एक जगह लेके आपको दिखा देता है किस तरीके से परफॉर्मेंस की डेट में इस टूल को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इस टूल का यूज करके हाई रिटर्न्स लेकर आया जा रहा है आर लेकर आया जा रहा है आर लेकर आया जा रहा है और बहुत कुछ इस टूल की मदद से करा जा रहा है दोस्तों टॉप ई कॉमर्स कंपनीज इस टूल का यूज करती हैं अपनी सेल्स को मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स में ले जाने के लिए तो जी आज मैं बात कर रहा हूं नंबर वन स्पाई टूल बिग स्पाई के बारे में तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे एक डिटेल में आपको बताऊंगा और किस तरीके से स्पाई टूल का आप यूज कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं सब कुछ जानेंगे बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा बिकॉज ये आपके डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए अगर आप एजेंसी चलाते हैं उसके लिए आपके क्लाइंट्स के लिए आप जॉब करते हैं आप फ्रीलेंसिंग करते हैं या आपका खुद का ई कॉमर्स का ब्रांड है तो दोस्तों ये टूल आपको प्रॉफिट ग्रोथ स्केलिंग हर चीज देने वाला है और आपके कंप्यूटर से आपको कई गुना ऊपर लेके जाने वाला है तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं जो ये टूल प्रोवाइड करता है और दोस्तों ये हमारा दिमाग हिला देंगे बिकॉज इस तरीके के फीचर्स किसी भी टूल के अंदर जो एड्स बाय से रिलेटेड है अभी तक मैंने नहीं देखे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा ठीक है कि किस तरीके से इसका डैशबोर्ड है कैसे चीज़ें इसके अंदर दिखती हैं ताकि आपको इसके फ्रंट एंड इसके फीचर्स और इसके डैशबोर्ड इसके बैक एंड के बारे में भी पूरी जानकारी मिले तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि दोस्तों यहां पर ये वर्ल्ड की टॉप और अफोर्डेबल एड लाइब्रेरीज में से एक है तो एड लाइब्रेरीज क्या दो तो दुनिया आज की डेट में एड्स के थ्रू बिलियन बिलियंस डॉलर का कारोबार कर रही है ग्लोबली कारोबार हो रहा है ठीक है बिजनेस करा जा रहा है तो यहां पर आप चाहे फेसबुक एड्स रन करते हैं आप इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर टिकटॉक पेंट्रस्ट और मैं टोटल नाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं नाइन प्लेटफॉर्म्स कवर करता है ये एक मैं फेसबुक एड्स के टूल की बात नहीं कर रहा गूगल एड्स टूल की बात नहीं कर रहा मैं एक ऐसे टूल की बात कर रहा हूं जो नौ प्लेटफॉर्म्स को कवर करता है और यहां पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर ऑप्शन दे रखा है कोई भी चीज चाहे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है या आप अपनी रिसर्च के थ्रू पहले पूरी जानकारी लीजिए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्राई कीजिए अगर आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है जो कि आपको खुद ही दिख जाएगा जब मैं अभी आप इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस को आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इनहस कर सकता है आपको मार्केट में कैसे आगे लेके जा सकता है किस तरीके से आप जो अचीव करोगे दो तीन साल में वो छह महीने आठ महीने में कर सकते हो वो सब कुछ आपको और आपका कितना पैसा सेव करेगा आप देखिएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस टूल के पास लार्जेस्ट एड क्रिएटिव की लाइब्रेरी है मैं एक मिलियन दो मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं दस मिलियन की हम एक हजार मिलियन एक हजार मिलियन ऐड क्रिएटिव की लाइब्रेरी आप सोच रहे हैं कितने एड क्रिएटिव कितना डाटा हम कैसे ऐड बनाए क्या ऐड परफॉर्म कर रहा है क्या ट्रेंडिंग चल रहा है क्या लोग पसंद कर रहे हैं ये सब कुछ हम अपने और इसमें से ये नहीं कि इसमें बहुत सारे फिल्ट्रेशंस भी हैं जहां पर आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हैं क्रिएटिव हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको फॉर एन एग्जाम्पल अगर एड चलाना है मतलब मैन टी शर्ट्स का तो ऑब्वियसली आप जूतों के लिए तो एड क्रिएटिव एड वाला एड नहीं देखोगे ना तो जब इतनी बड़ी एड लाइब्रेरी है तो उस वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो आपको कितना यहाँ पर डाटा मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा कि आप बेस्ट क्रिएटिव जो क्लाइंट्स को, आप को आपके संग कनेक्ट करें जो यूजर्स को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करें आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ाएं ये कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा आप सोच सकते हैं उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो 12 लाख 12 लाख हैप्पी कस्टमर्स 12 लाख हैप्पी कस्टमर्स है दोस्तों उसके साथ साथ यहां पर 98% परसेंट यूजर सेटिस्फेक्शन रेशो है तो जो ये टूल क्लेम करता है बाकी आपको इसका रिव्यू देखना है कुछ भी देखना है आप गूगल पे देखिए दूसरी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एप सॉफ्टवेयर का रिव्यूज देती हैं वहां पर देखिए पूरी तसल्ली कीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर ये टूल जो है इंडिविजुअल ग्रुप्स और एंटरप्राइज मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए इनके पास प्लान अवेलेबल है यहां पर मल्टीपल एड प्लेटफॉर्म्स मतलब जो मतलब और भी नेटवर्क हैं बट नाइन मेजर हैं जो मैंने आपको बताए मैसिव एड डाटाबेस जो एड का डाटा बेस है जैसे मैंने आपको बताया एक हजार मिलियन प्रॉफिटेबल एड्स प्रॉफिटेबल एड्स जिन्होंने परफॉर्मेंस लेकर आए हैं ठीक है बिजनेस लेकर आए हैं कस्टमर्स के लिए पावरफुल सर्च यहाँ पर इतने एडवांस फिल्टर्स हैं इतने ज़्यादा है, मतलब आप कंट्री के हिसाब से नीच के हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से क्लिक वो कस्टमर यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स क्राइटेरिया दे रखे हैं जिनके हिसाब से आप फिल्टर करके बेस्ट जो एड क्रिएटिव हैं उनको देख सकते हो कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो अपनी इंडस्ट्री के जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर उन सब का आप एनालाइज कर सकते हो आप सोचो कि एक होता है चीज अपना पैसा लगाना टाइम लगाना और एक विनिंग फॉर्मूला ढूंढना कि क्या हमारे लिए काम करेगा और ऑलरेडी जो एड्स इतने टाइम से चल रहे हैं परफॉर्मेंस ला रहे हैं उनकी इन देखना उनको व्यू करना और उससे पहले ही वो होमवर्क जो चीज आप एक साल बाद अचीव करते हो आप एक दो महीने में अचीव कर सकते हो कितना टाइम मैन पावर पैसा बचाया और आपको कितना आइडिया लगेगा जितनी क्रिएटिव आप, आप नीच के देखोगे उतने आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया लगेगा क्या चल रहा है क्या बिक रहा है क्या ट्रेंड के अंदर है फीचर एड्स ये आपको वो एड्स दिखाता है जो डेली ट्रेंड करते हैं तो आपको समझ में आएगा चलो कैटेगरी नीच कोई भी हो मगर हमें ये तो समझ में आएगा कि किस तरीके के आज के डेट में एड्स लोग पसंद कर रहे हैं क्या हर कोई चला रहा है किस किस प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है वो ट्रेंड पता लगता है ठीक है ये बहुत जरूरी है अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या एजेंसी चलाते हो या फिर ई कॉमर्स ब्रांड चलाते हो यहाँ पर ट्रैकिंग अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर आप चीज़ों को ईजिली ट्रैक कर सकते हो जिसको हम कहते हैं हम कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हैं अपनी जो डाटा बेस है उनको मतलब उनके जो एनालिटिक्स आ रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के उनको ट्रैक कर सकते हैं और बहुत ही ईजी मैनर के अंदर ट्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंसेज और कई सारी चीजों को शेड्यूल कर सकते हो कई काम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करे जा सकते हैं अब यहाँ पर अगर आपको और फीचर्स इनके देखने आप क्लिक करके साइड में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं साइट का लिंक दे रहा हूँ ठीक है उस पर क्लिक करके पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा ठीक है आप इसका ट्रायल वर्जन इसका यूज कीजिए दोस्तों देखो फ्री में ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा ठीक है कोई चीज़ बाय चांस अगर आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है स्केल कर सकती है आपको अहेड लेकर जा सकती है पैसा भी बचाएगी प्रॉफिट भी बढ़ाएगी तो उसको फ्री में ट्राई कीजिए और इसके कुछ और प्लान्स भी हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा जो बहुत इकोनॉमिकल है दोस्तों अब यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप बाद में आराम से देख सकते हैं अलग अलग रेटिंग्स इनको मिली हुई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो देखी जा सकती हैं तो फीचर्ड एड्स के अंदर पूरा का पूरा देखा है कॉम्प्रिहेंसिव एड ट्रैकिंग रियल टाइम नीश इनसाइट्स ऑटोमेटेड एड इंटेलिजेंस ठीक है ये सब चीजें आप देख लो किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग एड्स देखे जा सकते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है कब से वो एड चल रहा है ये सब और बहुत कुछ एनालिटिक्स वगैरह आप देख सकते हो साथ के साथ यहाँ पर यहाँ पर अब हम आते हैं दोस्तों आप एड्स देखिए फेसबुक अगर आपको फेसबुक एड्स के लिए करना है वो भी अलग से दे रखा है एड uh, मोब के लिए करना है टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर प्रिंट्रस्ट याहू यूनिटी इस तरीके से आप इनके अंदर ये सारे के सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप स्पाई कर सकते हो और सोचो वहाँ से कितना डाटा आपको मिलेगा कितना डाटा मिलेगा और आप कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना सकते हो और आप इसका यूज करके कैसे पैसा बना सकते हो जो स्मार्ट लोग होंगे ना जो वाकई में बिजनेसमैन होंगे जो दूर की सोचते होंगे जिनको पता है पैसे कैसे बना पाएंगे इसकी मदद से और कैसे हम कम समय में मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं वो समझ पा रहे होंगे इस टूल की पावर क्या है उसके अलावा फीचर्स फेसबुक पेज गूगल पेज टिकटॉक पेज डोमेन एनालिसिस फीचर एड्स टिकटॉक क्रिएटिव एड आइडियाज आपको देगा पेबल एड्स लेंडिंग पेज देगा, तो कि लेंडिंग पेज देगा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के लिए टॉप चार्ट्स न्यू ट्रेंडिंग ये सब कुछ आपको बताएगा अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर तो जब हम प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग प्राइस दे रहा है ठीक है अलग अलग यहां पर आप देख सकते हो इनका एक बेसिक प्लान है नौ डॉलर पर मंथ का वन सीट का ठीक है और उसके अलावा यहां पर इनका एक बहुत पॉपुलर प्लान है इसको प्रो प्लान कहते हैं ये 99 डॉलर पर मंथ है मगर आप एक डॉलर में इसको तीन दिन के लिए यूज कर सकते हो एक डॉलर दोस्तों होता है कि अस्सी अस्सी नब्बे रुपए होते हैं तीन दिन में आपको पता लग जाएंगे इसकी मे, मेजर फीचर्स वगैरह क्या हैं तो उसके बाद तीन दिन बहुत होते हैं डिसाइड करने के लिए तो दोस्तों डिसाइड आप इजीली कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है कि हाँ ये वर्थफुल है या नहीं है अस्सी नब्बे सौ रुपये तो दोस्तों आज की डेट में कोई पूछता है क्या है बिजनेस के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो बाकी फ्री एक ट्रायल वाला भी है जो मैंने आपको बताया मैं क्लिक करके लिंक दे रहा हूँ क्लिक करके वो भी आप ट्राई कर लेना उसके अलावा इनके अलग अलग प्लान्स हैं नंबर ऑफ़ सीट्स और कंपनी के हिसाब से ये बढ़ जाते हैं रिक्वेस्ट है डेमो आप डेमो ले सकते हो तो इस तरीके के इनके टीम से चैट कर सकते हो पूरी जानकारी लो जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसकी पूरी जानकारी आप लो ठीक है तसल्ली करो ठीक उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको अपने लिए यूज करना है कि नहीं करना है बाकी दोस्तों इस तरीके का टूल अगर आपके बिजनेस को आपके कंप्यूटर से कई गुना आगे लेके जा सकता है ठीक है आपको ग्लोबल लेवल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की आपकी इंडस्ट्री की स्ट्रेटजीज को निकाल के आपके सामने रख सकता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग एड्स हर चीज निकाल के आपके सामने रख सकता है तो दोस्तों ऐसा टूल क्यों ना ट्राई करें पैसा खर्च करना यूज करना बहुत बात की बात है ट्राई क्यों ना करें तो आइए चलते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं ये इसका डैशबोर्ड और इसका यू वगैरह कैसा है इधर क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं ठीक है बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इस वीडियो के बाद आप जरूर उस पर क्लिक कीजिएगा अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा इसका ट्रायल वर्जन या जो मैंने आपको बंडल बंडोलोन प्लान बताया जरूर जरूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों बात ये नहीं है कि मैं किसी टूल या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ हमारा तो चैनल ही डिजिटल मार्केटिंग का है उसके टूल्स का है उसके प्लेटफॉर्म्स की हम पढ़ाई कराते हैं तो कोई भी अच्छा टूल अगर आ रहा है और वो आपके बिजनेस के लिए या आपकी नॉलेज के लिए ठीक है बढ़िया हो सकता है तो क्यों ना हम आपको बताएं और क्यों ना आप वो यूज़ करें जिसमें हमारा कोई घाटा ही नहीं है तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और एक बारी इसका डैशबोर्ड देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं की वेबसाइट पे बिग पर मैंने इनका जो तो प्लान है ले रखा प्लान है मेरे पास तो यहाँ पर अब मेरे को इनके डैशबोर्ड में जाके आपको दिखाता हूँ चीजें कैसे दिखती हैं क्या होता है एड्स में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बेसिकली मैं उस सेक्शन के अंदर हूँ जहां पर मेरे को एड्स से रिलेटेड इनफो सर्च करनी है एड्स टेक्स्ट सर्च करने हैं सोशल पेजे सर्च करने हैं इ कॉम इन्फो लेनी है डोमेन के हिसाब से लेनी है किसी भी चीज के हिसाब से यहाँ पर डालूंगा जो मेरे को देखना है। उसके हिसाब से मेरे को सर्च करके देगा कुछ चीज एक्सक्लूड करनी है सर्च को प्रोसाइज करना है सब कर सकता हूँ कुछ फिल्टर्स को सेव करना है अब फिल्टर पर हर नेटवर्क के ऊपर मेरे सर्च से रिलेटेड मेरे को ऐड दिखे वो दिख जाएगा अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डालता हूं मेन्स टी शर्ट ठीक है मेन्स टी शर्ट मैंने डाला तो यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स अलग अलग नेटवर्क्स पे जो एड्स चल रहे हैं वो दिख जाएंगे ये लास्ट सीन कब था मतलब पिछले महीने था ये इस समय लाइव है इतने इंप्रेशन से इतनी पॉपुलरिटी है उसके अलावा भी यहाँ पर आपको जो एड्स हैं आप देख सकते हो जो लाइव हैं और वो कब जो रिसेंटली बंद हो गए हर चीज यह आपको यहाँ पर दिखाएगा तो डिटेल में इन डेप्थ आप चीजों को देख सकते हो कर सकते हो और यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन हैं कितने सारे एड्स हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मैंने भी कैटेगरी डाली है और यहाँ पर अगर मैं चाहूँगी भाई सिर्फ फेसबुक के दिखाओ तो सिर्फ फेसबुक के दिखा देगा मैं कहूंगा भाई इंस्टाग्राम के दिखाओ तो इंस्टाग्राम के दिखा देगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एड्स वगैरह यहाँ पर देखो एक ऐड अभी भी चल रहा है बुक ट्रैवल यहाँ इंप्रेशन है पॉपुलैरिटी ड्यूरेशन का अलग अलग स्टैट्स है फिर उस पर्टिकुलर एड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को उस पर्टिकुलर एड से रिलेटेड पूरी जानकारी वगैरह सब कुछ दिखाएगा एनालिटिक्स वगैरह दिखाएगा जैसे कि आप देख सकते हो तो दोस्तों यहां पर आप सोचो कि मेरे को एक तो अलग अलग चीजें मैं सर्च कर सकता हूँ अलग अलग हिसाब से कर सकता हूँ अलग अलग नेटवर्क से कर सकता हूँ साइट यहाँ पर वेबसाइट शॉपिफाई के ही दिखा वो कॉमर्स की साइट्स के दिखा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के दिखा वो भी कर सकता हूँ उस हिसाब से किस कंट्री का मेरे को इंडिया के देख रहे हैं मेरे को सिर्फ यूएस में कैसे एड्स चलते हैं वो देखने की मेरा टारगेट यूएस है जो भी मेरे को करना है एक्सक्लूड कौन सी कंट्री करनी है वो कर सकता हूँ किस लैंग्वेज के एड देखने है वो देख सकता हूँ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है भावना कन्वर्जन है क्या है ठीक है वो सब देख सकता हूँ हर तरीके से एडवांस एट्रीब्यूट वगैरह भी हैं उसके अलावा एडवांस सर्चेज एंगेजमेंट के बेसिस पे लैंडिंग पेज के बेसिस पे ठीक है री डिलीवरी और ऑडियंस सर्विस नए फीचर्स हैं तो दोस्तों यहाँ पर कि कितने से कितने टाइम के हैं सिर्फ नए एड देखने सारा का सारा यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो ठीक है अब ये जो इतनी सारी चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई यहाँ पर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से देख सकते हो किस प्लेटफॉर्म का आपको देखना है साथ में दोस्तों यहां पर एड्स बाय हो गया एड्स के अगर आपको आइडियाज देखने हैं तो एड के आइडियाज वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हो इससे आपको क्रिएटिव होने में मदद मिलेगी आजकल लोगों कुछ क्या चीजें एंगेज कर रही हैं वो देखने समझने में आपको मदद मिलेगी तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पर एड के आइडियाज वगैरह ले सकते हो एड टेक्स्ट एडवर्टाइजर हेड डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने सीखने को मिल सकती हैं जो भी आपने आ, इनका प्लान ले रखा है स्टार्टिंग में आप इनका फ्री ट्रायल यूज करो चीजें देखो समझो तसल्ली हो उसके बाद आप कुछ डिसाइड करना अपने हिसाब से अपना डिसीजन आप खुद लीजिए ठीक है बिकॉज आप अपने बिजनेस को कहा लेकर जाना चाहते हो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने अपने बिजनेस को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो ये सब कुछ आप, आप, आप सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा फीचर एड्स वगैरह के अंदर अगर हमें देखना है तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ, अभी ओपन हो रहा है सारा का सारा आपको धीरे धीरे डाटा यहाँ पर शो करेगा अभी मैंने फीचर एड्स पे क्लिक करा था तो यहाँ पर फीचर एड्स पे जब मैंने क्लिक करा तो ये हमें कुछ मतलब ऐसे एड्स दिखाएगा आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरीके के एड्स आ गए उनके स्टैट्स आ गए तो यहाँ पर सारा का सारा आप अलग अलग तरीके वीडियो एड ग्राफिकल एड हर तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो ठीक है टिकटॉक क्रिएटिव देखने पेजेस देखने हैं भाई एड्स के पेजेस कैसे होते तो होते हैं ये सारी डिटेल में चीजें आप देख सकते हो इनका यूज कर सकते हो सोचो सोचो दोस्तों यहाँ पर जितना कंटेंट अवेलेबल है जितने एड क्रिएटिव अवेलेबल है जितने प्लेटफॉर्म्स का डाटा अवेलेबल है अगर कोई सही से बैठ के इस पर रिसर्च करे अपना पूरा होमवर्क करे प्लानिंग करेंट्रैटेजी बनाए तो क्या, से क्या कर सकता दोस्तों मेरा मकसद था आपको एक अच्छे टूल के बारे में बताना एक अच्छी कंपनी के बारे में बताना उसके इन एंड आउट्स बताना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है क्लिक करके आप फ्री ट्रायल यूज करो या इसका जो नॉर्मल मैंने आपको बताया था वन डॉलर वाला प्लान है तीन दिन का टेस्ट में बहुत सारे फीचर्स आपको दिखेंगे वो कर सकते हो नब्बे रुपये है तो कुछ भी करो दोस्तों सोच समझ के डिसीजन लो और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो आपको सही लगे वो करो तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको टूल शायद पसंद आया होगा और इसमें जो फीचर्स शब्द पसंद आए होंगे थैंक यू दोस्तों